नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और एक बुरी खबर से आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। करनाल नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो जाता है, एक व्यक्ति की जो डेड बॉडी है वो करनाल के नेशनल हाईवे पर पड़ी मिली है, जो सेक्टर 12 वाला फ्लाईओवर है उसके पास ये ब्लड जो डेड बॉडी है वो मिली है। हम आपको डेड बॉडी की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। हादसा हुआ है या कोई और मामला है इसके बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन जो शरीर है, जो बॉडी है वो तेज जो लगातार वाहन जा रहे हैं हाईवे से उनके कारण थोड़ी बहुत कट भी गई है, यानी कि जो पैर के पास का हिस्सा है वो कट भी गया है। रात को हादसा हुआ है, सुबह हादसा हुआ है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी हाईवे पर पड़ी थी, आसपास कोई बाइक नहीं है, जो व्यक्ति था वो पैदल था और उसका हादसा हो जाता है या किसी और कारण मौत हुई है, लेकिन डेड बॉडी जो सड़क पर पड़ी थी वो कुचल कर कुछ वाहन जाते हुए भी नज़र आए हैं। और फिलहाल जो आम राहगीर हैं उनकी तरफ से यहाँ पर नीम की जो टहनियाँ हैं वो लगा दी गई हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को चलाया जा सके, ताकि डेड बॉडी के नज़दीक कोई भी वाहन ना आए। PCR राइडर पहुँच गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सेक्टर 6 का ये मामला पड़ता है, तो ऐसे में सेक्टर 6 पुलिस चौकी के इंचार्ज आएंगे और वहाँ से पुलिसकर्मी आएंगे तो कार्रवाई बनेगी। क्या कुछ जानकारी मिली थी अंकल जी, आप रुके उसके बाद यहाँ पर टहनियाँ वगैरह रखी? ये टहनियाँ वगैरह भाई साहब ने रखी है, मैं यहाँ रोड से जा रहा था, डेड बॉडी पड़ी थी, कम से कम एक घंटे से ज़्यादा हो चुका है, कोई भी यहाँ नहीं आया था। दो बार पुलिस को कॉल किया, इन्फॉर्मेशन दी, वो कह रहे सेक्टर 6 वाले आएंगे, अब PCR आई है और अभी तक भी आप देख रहे हो कि इंस्ट्रक्शन नहीं लगी हुई है कोई भी। आप और हम लोगों ने टहनियाँ तोड़ के लगाई है, सेक्टर 6 का मामला है, सेक्टर 6 वाले अभी तक नहीं पहुँच पा रहे, ना सब वाहन पहुँचा है, बिल्कुल जस्ट हाईवे नंबर थाने से मतलब एक किला इधर भी नहीं है। गए थे आप वहाँ? हाँ, भी बिल्कुल गया था मैं, वहाँ से ही कॉल करवाई है। अच्छा भाई, जा करके इसको कोई और कुछ नहीं तो रोड को तो सेफ रखिए, सेफ्टी और तो कुछ नहीं गुजरेगा। हाँ, ताकि कुछ चल कर बॉडी ना जाए, कुछ वाहन ने शायद कुचली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हालात है हमारे करनाल के, तो हरियाणा का क्या होगा? एक समझ सकते हैं परेशानी इस बात की भी है, लोग ये चाह रहे हैं और हम भी यही चाह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन लगा दी जाए कि इस लेन में आप लोग ना आए, ताकि जो डेड बॉडी है वो और ना कटे और कोई हादसा ना हो। आप देख सकते हैं आम राहगीर है वो यहाँ पर सेवा करता हुआ नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि बाकी जो वाहन है वो यहाँ से दूसरी लेन में जाएं ताकि कोई और हादसा ना हो। पुलिसकर्मी जरूर पहुँचे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सेक्टर 6 का इलाका पड़ता है, वहाँ से PCR आएगी, वहाँ से पुलिसकर्मी आएंगे और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। शव वाहन को भी कह रहे हैं कि कॉल किया गया, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हाईवे जो थाना है वो बेहद नज़दीक पड़ता है और वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन आ सकती हैं। क्या कुछ जानकारी मिली, आप आए हैं मौके पर? ये भाई साहब कंट्रोल से सूचना मिली है, भाई एक्सीडेंट हो रहा है गुरुद्वारे के पास, हम आए हैं, मौका देखा है, ये सेक्टर 6 का चंकी का एरिया है, पुलिस अभी आने लग रही है, हम मौके पे है, ट्रैफिक चलवा रखी है। इंस्ट्रक्शन कोई लगा दी जाए ताकि और कोई हादसा ना हो। आप देख सकते हैं आम व्यक्ति मदद करने का प्रयास कर रही है, अभी सर कॉल कर रही है, गाड़ी में आईकॉन लेके आ रहे हैं, उनको रखा जाएगा। डेड बॉडी की पहचान वगैरह कुछ पता चल पाया, कैसे हादसा हुआ? बस ये नहीं पता जी, नाइट का है और अभी पता लग गया है, अभी जांच पड़ताल करी जाएगी। डेड बॉडी भी कुचल दी गई है? यस सर। तो डेड बॉडी भी जो है कुचल दी गई है, क्योंकि तेज रफ्तार वाहन डपते हैं और अगर रात को हादसा हुआ है तो कई बार डेड बॉडी दिखती नहीं है, नजर नहीं आती है, और ऐसे में डेड बॉडी सड़क के किनारे थी, यानी कि ये जो पोल लगे हुए हैं इसके बिल्कुल किनारे थी और यहाँ से डेड बॉडी को कुचलते हुए आगे घसीट कर भी कई वाहन ले गए हैं। फिलहाल शव वाहन को भी पुलिस की तरफ से कॉल किया गया है और सेक्टर 6 चौकी का ये इलाका पड़ता है, वहाँ के भी जो IO हैं, वहाँ के भी जो चौकी इंचार्ज हैं, उन्हें भी कॉल किया गया है और ताकि वो लोग आएँ और पूरे मामले की कार्रवाई की जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं टहनियों को यहाँ पर लगाया गया, आइकॉन आएंगे
उसके बाद लगाया जाएगा। हालांकि जो हाईवे का थाना है वो पास पड़ता है और वहाँ से वहीं पर जाकर एक व्यक्ति ने कॉल करवाई पीसीआर को, क्योंकि कॉल हो नहीं रही थी। और अगर वहाँ से भी आकर आइकॉन यहाँ पर लग जाए, एक इंस्ट्रक्टर लग जाए कि आपको इस लेन में नहीं आना है, यहाँ पर शव वाहन है, यहाँ पर या कोई असुविधा है। अब कितनी देर हो गई तकरीबन आपको भी? ये कम से कम हो चुका था, घंटा तो हो गया था। आधा घंटा हो गया? घंटा तो हो गया। क्या क्या पता चला था, डेड बॉडी वगैरह से ही आ रहे थे? पता देखा डेड बॉडी तो इससे पहले एक भाई ने रिपोर्ट लिखाई थी, ऐसे सेक्टर 6 में गए थे, इन्हें बोला कोई बोला अभी तक आई नहीं, फिर काफ़ी देर बाद पुलिस आई है। ये तो बहुत गलत आ रहा है। तो फिर टहनिया वगैरह तो हाँ जी अभी तोड़ के रखी है ताकि और भी जान वहाँ से, अगर पहले कोई इंसानियत नाम की चीज़ होती थी इसके खिलाफ बच जाती थी, लेकिन इंसान कुचली हुई है डेड बॉडी। हाँ जी हाँ जी कुचली, ये देखो आप, ये देखो यहाँ से तो घसीट के निशान भी हैं और डेड बॉडी को तकरीबन 20 कदम तक घसीट कर गाड़ियां लेकर गई हुई हैं। पीसीआर मौके पर है, नेशनल हाईवे पर ये हादसा हुआ है, सेक्टर 12 का जो फ्लाईओवर है उसके पास ये हादसा हुआ है। कौन व्यक्ति है इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बुलाया गया है सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज को और साथ ही साथ बाकी पुलिसकर्मियों को ताकि हादसे की जांच की जा सके और साथ ही साथ शव वाहन को जल्द से जल्द जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया जा सके। कौन है व्यक्ति, किसकी मौत हुई है, हादसा कैसे हुआ, ये सीसीटीवी फुटेज भी जो है उसके जरिए खंगालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि तकरीबन घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, पुलिस मौके पर आ चुकी है, लोग मौके पर हैं, शव वाहन अभी तक नहीं पहुंचा है और ऐसे में कोई इंस्ट्रक्टर भी नहीं लगा है, ऐसे में कोई आइकॉन भी नहीं लगे हैं जिसके जरिए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि टहनियों को तोड़ा गया, नीम के पत्तों की टहनियों को तोड़ा गया, उसको लगाया गया है ताकि इस लेन में और जो तमाम वाहन गुजर रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं वो ना आए, क्योंकि कई वाहनों की तरफ से इस डेड बॉडी की जो टांगे हैं उसको कुचल दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर और राहगीर ध्यान ना देते तो शायद पूरी बॉडी कुचल दी जाती और उनका जो चेहरा है वो भी पहचान में ना आता। नज़दीक के हाईवे जो थाना है वहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं, उनके पास गए हैं कुछ राहगीर, वहीं से कॉल करवाई गई और उसके बाद पूरा देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पर एक ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। हालांकि लोगों की तरफ से ही टहनियाँ तोड़ी गई हैं, शव वाहन का इंतज़ार किया जा रहा है, शव वाहन आएगा उसके बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं तेज़ रफ्तार वाहन आते हैं और अगर रात को पैदल जाते वक्त किसी का कोई हादसा हो भी गया है तो उसके बाद डेड बॉडी रात से सवेरे तक यहीं पर पड़ी रहती है और जिसके बाद डेड बॉडी के जो पैर हैं वो कुचले भी जाते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वाहन हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल पुलिस पहुँची है और शव वाहन का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि शव को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया जा सके और पूरे मामले की जांच की जा सके। अगर 72 घंटे तक पहचान हो जाती है कि किसकी डेड बॉडी है तो फिर परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा शव, लेकिन अगर 72 घंटों तक पहचान नहीं होती है कि डेड बॉडी किसकी है और यह हादसा कैसे हुआ तो फिर सामाजिक संस्थाओं की तरफ से इनका संस्कार किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिलहाल इंतज़ार शव वाहन का किया जा रहा है और जो राहगीर हैं वहीं वो यहाँ पर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।